नैनीताल जिले के भीमताल में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सोमवार को बंद का आह्वान किया गया। व्यापारियों का कहना है कि भीमताल में कई सालों से फायर स्टेशन की मांग जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, इसके चलते एक सप्ताह पहले भीमताल डांट में 4 दुकान अग्नि की भेंट चढ़ गई। नैनीताल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने तक दुकान राख में तब्दील हो गई, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भीमताल क्षेत्र में कई होटल, बैंक और स्कूल हैं, उसके बावजूद भी यहां पर फायर स्टेशन अभी तक नहीं खोला गया है। करीब 1000 से ऊपर दुकानें हैं जिसमें व्यापारियों द्वारा व्यापार किया जाता है। आंदोलित व्यापारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज भीमताल में इतने होटल्स हो गए, इतने कॉलेजेस हैं, इतने बैंक्स हैं, आपके गैस गोदाम यहाँ पे है और इतनी हमारी 810 दुकानें हैं, मगर इनकी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर आज कुछ भी नहीं है। उसी मांग को लेकर के हम प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांग ये है, जब तक भीमताल में फायर ब्रिगेड स्टेशन का स्थाई यहाँ पे नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ से धरना स्थल से हटने वाले नहीं।